नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के निर्माण भवन के बाहर, जहां पे आज देश के डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सड़क पर उतर आए हैं, जहां उन्हें हॉस्पिटलों में मरीजों का इलाज करना चाहिए, वे आज सड़क पर उतर आए हैं। आइए इन्हीं डॉक्टर्स से बात करते हैं। मैं ऑब्सगैनी डिपार्टमेंट से हूँ और मैं बता देना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कन्फ्यूज़न क्यों है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग इतने दिन से प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, और मीडिया कवरेज भी ज़्यादा नहीं है शायद इसीलिए अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि हम लोग कोई एक्स्ट्रा हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है, बस ये चाहते हैं जो नॉर्मली होता है एवरी ईयर जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है जिसमें डॉक्टर्स की एडमिशन होती है, जो पीजी रेसिडेंट्स जो ज्वाइन करते हैं नॉर्मली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें मेनली पीजीज ही वर्क करते हैं, बाकी भी कम करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल जो वर्क होता है, जो मेन वर्क फोर्स चाहिए होता है वो पीजीज का ही होता है। और ऐसे केस में अगर आप 1/3 वर्क फोर्स हटा दें जो एडमिशन ही नहीं हुआ है, तो ऑलमोस्ट 8 मंथ से पेंडिंग है और बाकी जो पीजीज हैं उन पर कितना ज़्यादा बर्डन है। ऑलरेडी हमारी 48 आवर्स जैसे शिफ्ट होती है, उसके बाद अगर आप एक पूरा बैच ऑफ डॉक्टर्स को ऐड नहीं करते हो तो हमारी 48 आवर्स करके कितनी सारी ऐसी शिफ्ट्स हो जाती है कि हमारा कोई लाइफ नहीं बचता। हम डॉक्टर हम भी इंसान, हम मशीन तो नहीं है। अगर आप लोग जहाँ पे काम करते हैं अगर आप ही का वर्कफोर्स ऐसे आधा कर दिया जाए तो आपको भी प्रॉब्लम होगा, किसी को भी प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे रिक्वेस्ट करते करते अब यहाँ तो बात आ गई है कि हमें निर्माण भवन के आगे आकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, वो उस चीज़ के लिए जो नॉर्मली हो जाना चाहिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इस चीज़ का। अगर अभी भी अब जब नहीं हो रहा है तो अब हमें यहाँ तक हो रहा है कि हमने इमरजेंसी तक हमें बंद करनी पड़ रही है। हमारे सीनियर्स हैं जो अभी भी मैनेज कर रहे हैं हमारे लिए, हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, बट अभी भी हमें कोई सुनवाई नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट से या फिर निर्माण भवन से, कोई हमें कोई भी रिटर्न अश्योरेंस नहीं मिला है अभी तक। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो डिले कोविड के चक्कर में हो रहा था वो अब रोक के, जैसे कि नॉर्मल रैलीज भी निकल रही हैं, तो वो आपका जो प्रोसेस है वो भी आगे कर, सब कुछ ही हो रहा है। मतलब जो कोविड का जो एक्सक्यूज है वो तो बहुत ही पुराना है, उसके बाद एक केस हुआ था जिस केस के कारण उन्होंने डिले किया, तो उस केस की वो लोग डेट आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है ना। अब डेट आप आगे कब तक बढ़ाओगे? पहले नवंबर में डेट दी गई थी, फिर दिसंबर में डेट दी गई, फिर जनवरी में डेट दी गई, तो ऐसे डेट आगे करते करते आप कब तक डेट आगे बढ़ाते रहोगे? मतलब काउंसलिंग की भी नहीं, सुनवाई की, कि काउंसलिंग कब होगी, इस चीज़ की सुनवाई की आप डेट बढ़ाए जा रहे हो, तो ऐसे में क्या मतलब और पूरा 1 साल हो जाएगा मतलब, तो फिर हम कब तक करते रहेंगे, है ना। और अभी जो हॉस्पिटल्स की कंडीशंस हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब मैं समझ रही हूँ कि हॉस्पिटल्स की कंडीशन सही नहीं है, लेकिन अब भी समझिए कि लगातार अगर मतलब 48 आवर्स हम करते हैं, अगर 72 आवर्स भी अगर हम रहे वहाँ पे काम करें तो हम क्या ही ट्रीट कर पाएंगे पेशेंट्स को, है ना। पेशेंट्स का भी तो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट भी तो कम हो जाएगी जितना अगर डॉक्टर्स रहेंगे। अगर मान लीजिए ओमिक्रॉन आता भी है, फिर से लॉकडाउन होता है, फिर तो आपको ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस सिचुएशन में क्या ज़रूरी नहीं है कि सही समय पे डॉक्टर्स आ जाने चाहिए जिनको ऑलरेडी होना चाहिए था। मतलब 45,000 डॉक्टर्स बेरोजगार बैठे हुए हैं घर पे, जस्ट वेट करें काउंसलिंग कब होगा, ज्वाइन कब करेंगे 8 मंथ से, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो सैलरीज कहाँ जा रही है, जो 45,000 डॉक्टर्स को जो मिलनी चाहिए थी लास्ट 1 साल से जो सैलरी, वो लोग अगर ज्वाइन कर लेते हैं वो सैलरीज कहाँ जा रही है? हमें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा एक्स्ट्रा काम करने का, है ना। हम मांग भी नहीं रहे, हम बस चाहते हैं कि हमें हमारी भी लाइफ में मशीन नहीं है। हमारा जो हमें नॉर्मली बोला जाता है कि आपका वीकली 48 आवर्स होना चाहिए, जब ज्वाइनिंग के टाइम में ऐसा होता है कि 48 आवर्स करके वीकली हमें ड्यूटी करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा नॉर्मली 96 आवर्स करके शिफ्ट होता है, 96 आवर्स इन अ वीक बता रही हूँ मैं, 96 आवर्स करके वीक हमारा मतलब हो जाता है, दैट इज़ नॉर्मल फॉर अ डॉक्टर। एंड वी अंडरस्टैंड दैट, हमें स्टार्टिंग से ही बताया था कि एज अ डॉक्टर तुमको एक 24 घंटा शिफ्ट करना पड़ेगा, 48 आवर्स शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अब जब ऐसा है कि हमारे जूनियर सीनियर है तो फिर 48 आवर्स 72 आवर्स होते जा रहा है। एट वन पॉइंट हमें भी तो चाहिए ना कि हाँ हमें भी कोई मतलब साथ देने वाला चाहिए, वर्कफोर्स इक्वलाइज बढ़ानी चाहिए। अब 8 मंथ्स हो गया, अब हम बिना काउंसलिंग शेड्यूल के तो वापस नहीं जा रहे, हमें रिटर्न अश्योरेंस चाहिए सरकार से, तभी हम कुछ करेंगे। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर निशांत, SRNSCCR। ओके सर, तो ये प्रोटेस्ट आप लोग क्यों कर रहे हैं और अभी तक सरकार ने इसके, आप लोग बैठे हुए हैं सड़कों पे आ गए हैं अपने हॉस्पिटल्स छोड़ के? दैट एंटायर थिंग इज कि हमारे यहाँ मई में नए पीजीज आते हैं, इस बार कोविड की वजह से एग्ज़ाम्स लेट हुए, तो वो एग्ज़ाम्स पहले अप्रैल में शेड्यूल थे, फिर वो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होके सितंबर में हुआ, सितंबर में रिजल्ट्स आया, अक्टूबर में काउंसलिंग होनी थी, फिर गवर्नमेंट ने EWS क्राइटेरियाज उसमें लेके आए, एंड उसके बाद किस कोर्ट में ये मामला चला गया, केस हो गया कोर्ट में, हियरिंग पे वही अगेन जो नॉर्मल डेट पे रेट करते करते
ये बात दिवाली के बाद तक आई एंड फिर से वहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट से क्राइटेरिया को रिवाइज करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि वी नीड 4 वीक्स का टाइम एंड आप 6 जनवरी को हियरिंग कर लो। तो उस पूरे मामले में क्या हुआ है कि जो पीजीज हैं, हमारा जो फर्स्ट ईयर है वो नहीं आया है और अब उनका जो कैरिकुलम होता है उसको बीते हुए करीब 9 मंथ्स हो गए हैं, 9 to 10 मंथ्स एक पूरे रेसिडेंसी में, चाहे वो सर्जरी की हो या चाहे एमएस की हो या फिर एमडी की हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर होता है। तो फर्स्ट ईयर गायब है, एडमिशन नहीं हुआ, बचा सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स अप्रैल में होने हैं, वो फिर काम पे नहीं आएंगे, तो बचा सिर्फ सेकेंड ईयर। तो सारा जो बर्डन है वो एक बैच पे आने वाला है अब फ्यूचर में, और अभी बाकी सारा हॉस्पिटल बिना उनके काम कर रहा है, तो एक वर्क ऑफ मैन पावर भी कम है, लोगों का कैरिकुलम भी वेस्ट हो रहा है क्योंकि जो सेकेंड ईयर था उसको अभी भी फर्स्ट ईयर की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, तो वो सारा लॉस में जा रहा है। गवर्नमेंट इस बात को समझ नहीं रही है। गवर्नमेंट को कोर्ट ने बोला था कि आप 4 हफ्ते थोड़ा ज़्यादा है, आप क्राइटेरिया को थोड़ा सा और भी कर सकते हो, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि नहीं नहीं हम इसको बहुत ही साइंटिफिक वे में करना चाहते हैं। एंड देन एंटायर थिंग अभी भी 6 जनवरी को क्या हियरिंग होगी, उसमें क्या रिजल्ट्स आएंगे या फिर फर्दर डेट जाएगा, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। हम जब भी गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने हमें से बोला कि हमें टाइम दो, पहले उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा था, फिर तो हमने एक स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ की थी, फिर उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा, फिर स्ट्राइक करके कॉल्ड ऑफ की, अभी फिर से अभी 2 दिन पहले भी मिनिस्ट्री से बात यही हुई थी कि आप स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ कर दो, हम इसको 1 हफ्ते में कर देंगे। मिनिस्ट्री जो भी बोल रही है वो रिटन में नहीं दे रही है, वो सिर्फ वर्बल एश्योरेंस दे रही है, और अभी तक जैसे ऐसा ही कि वो हमारी कुछ बात सुनना नहीं चाहते, हमारी बात वहाँ तक पहुँच नहीं रही है शायद, जो भी है। तो आप कह रहे हैं जब तक ये प्रोटेस्ट अब जब तक चलेगा, जब तक मिनिस्ट्री कोई रिटर्न में हमें और हमें काउंसलिंग की डेट चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर डेट को आप काउंसलिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने अभी डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर्स की कोई हाई फाई डिमांड नहीं है, कोई ऐसी मांग नहीं है जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। डॉक्टर्स बस ये चाहते हैं कि जो काउंसलिंग प्रोसेस अब तक हो जाना चाहिए था सरकार की तरफ से, जो ये लोग सरकार जो इतना डिले कर रही है हर चीज़ में, कोविड का बहाना देके, एग्ज़ाम्स का बहाना देके, वो अब तक हो जाना चाहिए। और ये भी वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सारा जो प्रेशर है वो सेकेंड ईयर के बैचेस पे आ चुका है, क्योंकि फर्स्ट ईयर अभी आया नहीं है और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद वह अब काम नहीं करेगी। तो क्या डॉक्टर्स का कहना गलत है? तो हम क्या सरकार से इतनी भी उम्मीद नहीं रख सकते कि जो 45,000 बच्चे जो घर में इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि उनकी काउंसलिंग होगी, वह काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है। और अब जो ओमिक्रोन के बढ़ते केसेस हम देख रहे हैं दिल्ली में भी और पूरे विश्व में भी, उसके बाद भी हमें डॉक्टर्स की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है। तो अब जो वैकेंसीज हैं, हम चाहते हैं कि उसको भी जल्द से जल्द भरा जाए। और जो डॉक्टर्स के ऊपर जो प्रेशर है, जो उनका मैक्सिमम आवर्स 48 आवर्स होता है, अब वह 72 आवर्स काम कर रहे हैं, उनके ऊपर से भी ये प्रेशर हटा देना चाहिए, क्योंकि वह भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है। जब डॉक्टर्स के सर पे प्रेशर कम रहेगा तभी कार्य कुशलता और बढ़ेगी। तो डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट पे आपका क्या राय है, और साथ ही साथ आप सरकार से क्या चाहते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मैं खुशी जैन, कैमरा पर्सन अमन पांडे के साथ स्वराज मीडिया नेटवर्क।